अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सना व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जुम्मा मुबारक हो आप लोगों को। ये मैंने जस्ट अभी व्लॉग बनाया, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ। तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हैं बारिश को हुए हुए, और यहाँ के क्या हालात हैं वो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रोड्स काफ़ी क्लियर हो गई। ये जो साइड्स पर है, ये जो सारी मिट्टी वगैरह रोड पर आ गई थी, सैंड वगैरह जो है वो रोड पर आ गई थी, अब ऑलमोस्ट क्लियर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी इन लोगों ने जो रोड्स हैं वो ओपन कर दिए हैं, वरना यहाँ पे जिस दिन बारिश हुई थी वहाँ यहाँ पे कुछ भी मीन्स के रोड नज़र ही नहीं आ रही थी। ये जो साइड्स हैं कुछ रह गई हैं। जिस दिन बारिश हुई थी मैं उस दिन भी बाहर नहीं निकली थी, और उसके 1-2 दिन भी हो गए हैं मैं तब भी नहीं निकली थी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना कुछ हो गया बाहर। बस जो वीडियोज़ वगैरह में देखा था तो उसी से अंदाज़ा लगाया था कि कितनी ये तबाही हुई है इस जगह पर। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेफ़ रहा है, कुछ इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ जितना वीडियोज़ वगैरह में दिखा रहे थे। बस रूमर्स ही हैं जो कि ये कुछ लोग तो बहुत अफवाहें फैला रहे हैं कि ये हो गया तो वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। देखें इन लोगों ने जल्दी से क्लियर कर दिया, साफ़ सुथरा कर दिया, जो रूटीन है वो वापस अपने आ गई है, और लोग अपना ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ शुरू कर दिया। हम भी ब्रेकफास्ट के लिए निकले थे, हमने कहा चलें ब्रेकफास्ट करते हैं, आज फ्राइडे है सुबह, तो इसलिए मैंने कहा देख भी लेते हैं कि बाहर के हालात क्या हैं। तो हम ये इंटरनेशनल सिटी वाली साइड पर आए थे क्योंकि मैंने सुना था ये बहुत ज़्यादा मीन्स के पानी में है, तो इसलिए। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ जगहें थी जहाँ पे था, और वहाँ पे भी ये था कि गाड़ी वहाँ से गुजर सकती थी आराम से, और ऐसा कुछ भी नहीं था जितना वीडियोस वगैरह में दिखा रहे थे। तो मैंने कहा आप लोगों को मैं जो है वो हकीकत बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेफ़ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कुछ इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि जितना बताया जा रहा है। कुछ जो लोग हैं वो पुरानी वीडियोस को भी री अपलोड कर रहे हैं और दिखा रहे हैं बस व्यूज़ के लिए। नाउज़ बिल्ला तो बस सफ़ार करनी चाहिए। ये देखें अल्लाह की तरफ से है जो भी हुआ है, लेकिन इसमें सबको सब्र और अल्लाह को याद करना चाहिए। लोगों को इतनी मीन्स के ऐसी वीडियोस नहीं अपलोड करनी चाहिए। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है, देख सकते हैं आप। मैं इसीलिए ज़्यादातर आप लोगों को रोड्स का दिखा रही हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर है। अच्छा, हम लोगों ने कल से सियालकोट जाना था, लेकिन वहाँ पे ये था कि थोड़ा सा पानी खड़ा हुआ था जिसकी वजह से हम वहाँ पे नहीं गए। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ना हम सिटी सियालकोट चले जाते हैं, तो सेम ही है ऑलमोस्ट। वो ये है कि वो प्रॉपर बेकरी है, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। यहाँ पे सिटी सियालकोट ये है जो स्वीट्स है, यहाँ पे होता तो यहाँ पे भी सब कुछ ही है, लेकिन दोनों तरफ हलवा पूड़ी मिलती है, हर चीज़ मज़े की होती है, दोनों का टेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। सो हमने कहा यहाँ पर चले जाते हैं, हलवा पूड़ी वगैरह खानी थी हम लोगों ने, नाश्ता करना था। तो ये जो है हमारा नाश्ता आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो है हलवा पूड़ी ऑर्डर की थी, और साथ में एक आलू का पराठा ऑर्डर किया था, और बहुत फ्रेश दिया था और बहुत मज़े का था। और इनकी चाय बहुत मज़े की होती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इनका जो आलू का पराठा है वो बहुत मज़े का था। हमारा ये प्लान था कि हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी घर की ग्रॉसरी थी वो करनी थी हम लोगों ने, तो हम इसलिए हम लोग सुबह निकल आए थे क्योंकि इसके बाद जुम्मे की नमाज़ के लिए भी जाना था। तो इसलिए फिर जैसे ही हमने ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और फिर हम नेस्टो अब जा रहे थे, लेकिन उस साइड पे थोड़ा सा पानी खड़ा था जिसकी वजह से पुलिस वहाँ पे एंटर नहीं होने दे रही थी। ये बहुत अच्छी बात है दुबई की कि जहाँ पे कुछ भी होता है वहाँ पे जल्दी से पुलिस आ जाती है और हैंडल कर लेती है सब कुछ, और वहाँ पर मीन्स के रश नहीं होने देती और लोगों को नहीं बिल्कुल भी जाने देती, तो जिसकी वजह से ज़्यादा सेफ रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है यहाँ से, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, रश है क्योंकि हर कोई जाहिर सी बात है रेगुलर लाइफ की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं होता। थोड़ा सा हुआ है मसला वगैरह लोगों को हुआ है, मीन्स के बारिश हुई थी, इतनी तूफ़ानी बारिश हुई थी जो कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा सा जो भी हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि बिल्कुल ही लोग अपने घरों में बंद हो जाएं और बिल्कुल रूटीन में ना आएं। लेकिन ये है कि थोड़ा रश है, जहाँ जाएं वहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक जैम है, थोड़ा सा रश है। जहाँ पे आप 15 मिनट में पहुँचते हैं वहाँ पे ये होता है कि 20-25 मिनट लग जाते हैं। खैर, हम लोगों को तो रास्ता नहीं मिला था नेस्टो जाने का, ग्रॉसरी करने का, सो हमने सोचा कि यही अच्छा है कि घर चले जाएं। अभी मैं यही समझती हूँ कि सब अपने घरों में ही रहें तो अच्छी बात है, जब तक ये सब क्लियर नहीं हो जाता, रोड्स वगैरह अपनी रूटीन पे नहीं आ जाती, क्लियर नहीं हो जाती, तब तक बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी जाएँगे वहाँ पर ये होगा कि रश में फंस सकते हैं।
और ये थोड़ी थोड़ी जगह हैं जहाँ पे अभी भी पानी खड़ा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग बहुत जल्दी क्लियर कर रहे हैं। हमारे घर के बारे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि इतना कोई भी मीन्स के पानी नहीं हुआ, इतना मीन्स के जितना लोग कह रहे हैं कि ये हो गया दुबई में तो वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देख सकते हैं मैंने आपको दिखाई है, रोड्स बिल्कुल क्लियर हैं। हाँ बस थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा सा पानी था, वो मीन्स के थोड़ी सी बारिश हो तब भी हो जाता है, तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मेरे घर की मेन रोड है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं आप ये कितनी क्लियर है, यहाँ पर कोई पानी भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल साइड्स वगैरह भी क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ये भी अच्छा है कि हर चीज़ ऑनलाइन घर में आ जाती है, तो जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन भी ऑनलाइन डिलीवरीज वगैरह हो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं रुका था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप इस तरह की कंट्री में हैं कि जहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल होती है आपको, मीन्स कि आप सेफ़ फील करते हैं। ये देखें मेरे घर की बिल्कुल सामने की रोड है, ये मीन्स के क्लियर है बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी सी जो है वो मिट्टी है बस, और कुछ भी नहीं है। यहीं से हम लोग मेन हमारी सोसाइटी यहाँ से स्टार्ट होती है, ये थोड़ी सी साइट है क्योंकि यहाँ पे जो है अभी बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही है, ये न्यू एरिया बन रहा है, तो जिसकी वजह से वो सारी जो रेत है और मिट्टी वो सारी रोड पर आई थी जिस दिन बारिश हुई थी, और कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा पानी था। देखें यहाँ से क्लियर किया हुआ इन लोगों ने, ये साइड्स हैं, ये भी अभी कर रहे हैं, आपको पता है ये यहाँ पे दुबई है, यहाँ पे साफ़ सुथरा रखते हैं हर चीज़ को, तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर कर रहे हैं। बस मैं तो यही दुआ करूँगी, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।